हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद हुई तबाही के बाद हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र की तरफ से कोई अतिरिक्त मदद नहीं मिल पाई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश सरकार मदद मिलने के बाद एहसान फरामोश न बने। जयराम ठाकुर ने बताया कि आपदा में केंद्र ने 364 करोड़ रुपए प्रदेश को दिए हैं। इसके लिए भाजपा केंद्र का आभार व्यक्त करती है। नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र से स्पेशल टीम हिमाचल आई है। इसके बाद भी केंद्र सहयोग करेगी, लेकिन आपदा के बीच कांग्रेस के नेताओं में राहत के पैसे को बांटने की होड़ लगी हुई है। अधिकारियों की जगह नेता राहत राशि बांट रहे हैं। प्रभावितों को अभी तक राहत राशि नहीं मिल पाई है। ये पैसा वही है जो केंद्र ने बाढ़ प्रभावितों को भेजा है। उन्होंने कहा कि आपदा में सरकार एहसान फरामोश न बने। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा के बाद अभी तक सड़क, बिजली, पानी बहाल नहीं हो पाया है। सरकार को युद्ध स्तर पर कार्य कर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस सरकार के मंत्री CPS ही हेलीकॉप्टर में जाते रहे हैं। श्रेय लेने के लिए यहाँ तक कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ सेना के हाथ खड़े हो गए वहाँ पर मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाई। अभी बाढ़ का और बरसात का ये दौर चल रहा है। हम एक बात को देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी है। हाथ में जो राहत का पैसा है कांग्रेस के पदाधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारी उस राहत कार्य को उस पैसे को बांट रहे हैं। अधिकारी पीछे खड़े होकर के जो है वो कोने में हैं और कांग्रेस के नेता कैश के शेप में उस पैसे को बांट करके श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ये पैसा वही है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अपने अमित शाह जी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के रूप में दिया है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी बरसात और बारिश के कारण अब की बार हुई है और जिस त्रासदी के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है, जानमाल की क्षति हुई है। केंद्र सरकार का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि केंद्र ने मदद की है और लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को रिलीफ के नाते अभी तक जारी कर दिया है। इस बात के लिए केंद्र सरकार का आभारी हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। एक स्पेशल टीम हिमाचल प्रदेश के लिए बाढ़ का जायजा लेने के लिए हिमाचल के लिए रवाना की गई है और उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो टीमें एक कुल्लू मनाली मंडी से होकर के कुल्लू मनाली की तरफ गई है, दूसरी शिमला जिला के अंतर्गत सोलन से होकर के बाढ़ से प्रभावित इलाके में जाकर के जायजा ले रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को भी मिल रही है और निश्चित रूप से रिपोर्ट मुकम्मल होने के पश्चात, पूर्ण होने के पश्चात तुरंत उसके बाद फिर आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश के लिए और क्या मदद हो सकती है उन सारी चीजों को लेकर के भी केंद्र का सहयोग मिलेगा। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।